अब हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एड्रिनल का। एड्रिनल मेडुला हम देख चुके हैं और अब इस वीडियो में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। वी विल डिस्कस द एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स आपने देखा था कि जब हमने एड्रिनल का कट सेक्शन देखा था तो इसमें बीच का पार्ट जो था वो एड्रिनल मेडुला था, बाहर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और बहुत शुरू में जब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एंडोक्राइनोज सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ हॉर्मोन्स स्टीरॉयड्स होते हैं और स्टीरॉयड हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के केवल दो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, एक गोनैड्स जिसमें टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आ जाएंगे, और दूसरे कौन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं उनका प्रिकर्सर आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल है। और ये कोलेस्ट्रॉल का एनिमल किंगडम में सेकेंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट था, जिसका पहला ये था कि वो स्टेबलाइज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सो इट इज़ अ लिपिड एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। सो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली इज द हाई कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है और एनिमल वर्ल्ड में खास तौर पे स्टीरॉयड हॉर्मोन्स बनवाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो स्टीरॉयड्स हैं, और स्टीरॉयड हॉर्मोन्स किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, पॉइंट नंबर वन। सो इन हॉर्मोन्स को हम कहेंगे कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स। कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको कॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकती है, हम इनको क्या कह रहे हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स। सो पहली बात मुझे जो समझ में आई, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं एज अ ग्रुप, उनको हमने क्या कहा है, कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स कहा है। अब कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स दो मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप में जो पहला ग्रुप है उसे हमने कहा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और दूसरे जो ग्रुप है उनको हमने कहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो हमने ये देखा कि कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स हार्मोन्स है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके जो दो मेजर कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स हैं, एक को आपने कहा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरों को आपने कहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और थोड़ा बहुत ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स स्टीरॉयड्स। सेक्स स्टीरॉयड्स में ये मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उनको हम कहेंगे एड्रिनल एंड्रोजन्स। तो मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपको समझ में आ गया होगा कि वी आर टॉकिंग ऑफ होमियोस्टेसिस ऑफ द मिनरल्स इन योर बॉडी, सो आई एम लुकिंग एट द सोडियम एंड द पोटाशियम आयंस, एंड हेंस आई एम लुकिंग एट द रेगुलेशन ऑफ द वाटर लेवल्स ऑफ द बॉडी। एंड द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टीरॉन। सो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है, एल्डोस्टीरॉन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने नाम से बता रहा है, मेटाबॉलिक हार्मोन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल पर, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हम पढ़ेंगे वो है कॉर्टिसोल। यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि हम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देयर विल बी मैनी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मैनी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बट वी विल बी लिमिटिंग आर सेल्स टू द डिस्कशन ऑन एल्डोस्टीरॉन विच इज़ द चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द कॉर्टिसोल विच इज़ द चीफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ये आप समझ गए होंगे कि इट विल बी डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जब मैं एड्रिनल एंड्रोजन की बात कर रहा हूँ, एंड्रोजन इज अ हार्मोन दैट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन एंड दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द मेन इज डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टीरॉन। हम इसको इस नाम पे एब्रीविएट करते हैं DHEA। सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स, दे आर डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड द टू मेजर ग्रुप्स आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, द चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टीरॉन, द चीफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, एंड द मेन एड्रिनल एंड्रोजन इज DHEA। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एड्रिनल एंड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मैं एक बार कॉर्टेक्स की एनाटमी का आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये बाहर की तरफ का पार्ट क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो ये बाहर की तरफ जो पार्ट है ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। बीच में क्या है, एड्रिनल मेडुला है। तो अगर मैं इसका कट सेक्शन ये मैग्नीफाई करके देख रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैं कह रहा हूँ कॉर्टेक्स। सो ये कॉर्टेक्स पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्टेक्स है। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं, अंदर आप देख रहे हैं, ये कौन है, मेडुला है। मेडुला हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ध्यान देते हैं कॉर्टेक्स की तरफ। तो अगर आप इस कॉर्टेक्स को देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री जोन्स। एक ये जोन,
दूसरा ये जो येलोइश कलर में है, और तीसरा फिर ये रेडिश पिंकिश कलर में, ये तीन जोन्स हैं। सो दैट मींस अगर आप माइक्रो एनाटॉमी देखेंगे किसकी, एड्रीनल कॉर्टेक्स की, तो इसको मैं तीन जोन्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ऊपर वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ जोना फेसिकुलेटा, और सबसे नीचे वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ जोना रेटिकुलरिस। अब अगर आप ये देखें कि ये जो ग्लोमेरुलोसा है ये प्रोड्यूस करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा मेनली प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हालांकि ये थोड़ा सा एड्रिनल एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करेगा, और रेटिकुलरिस मेनली प्रोड्यूस करता है एड्रिनल एंड्रोजन्स, लेकिन ये थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स केवल किससे प्रोड्यूस होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा से। सो मेरे ख्याल से ये एनाटॉमी आपको समझ में आ गई है। सो हम एक काम करते हैं कि इस एनाटॉमी को यहाँ पर रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो हमने ये देखा कि द एड्रिनल कॉर्टेक्स is subdivisible into three distinct zones. So बीच में adrenal medulla, मैं cut section बना रहा हूँ adrenal gland का, मान लीजिए हम इस तरह से एक adrenal gland का cut section बनाएं, बीच में क्या आ गया adrenal medulla, इसको भी भूल जाते हैं, ये बाहर वाला cortex है, इसको मैं तीन distinct zones में divide कर रहा हूँ, एक बाहर का zone, एक बीच का zone और एक अंदर का। इस बाहर के zone को मैंने कहा है zona glomerulosa, और ये जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करेगा हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कौन है, एल्डोस्टिरोन। ये जो बीच का पार्ट है इसको मैंने कहा है जोना फेसिकुलेटा, और जोना फेसिकुलेटा मेनली सिक्रीट करेगा कॉर्टिसोल, लेकिन थोड़ा बहुत क्या सिक्रीट कर सकता है, DHEA मेनली, लेकिन क्या करेगा, कॉर्टिसोल। और सबसे अंदर वाला पार्ट कौन है, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस मेनली रिलीज करेंगे एंड्रोजन्स, मेनली रिलीज करेंगे एंड्रोजन्स, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीज कर सकता है कॉर्टिसोल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सो ये आपको जोनेशन समझ में आ गया, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, और कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोस्टिरोन की। सो लेट अस लुक एट एल्डोस्टिरोन। इस हार्मोन को हम किडनी में एक बार पढ़ चुके हैं, आपको मैंने पढ़ाया था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम। तो अगर आपको ध्यान है उस टाइम पर जब आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ था एंजियोटेंसिन में, तो ये एंजियोटेंसिन एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एल्डोस्टिरोन। सो अगर हम ये देखें कि एल्डोस्टिरोन का सिक्रीशन किस किस तरीके से होता है, सो पहली चीज़ तो आपने देख लिया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम में, आपको ध्यान है जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी डिहाइड्रेशन की वजह से, तो ब्लड बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ था, रेनिन, और उस रेनिन ने किसको कन्वर्ट किया था, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में। और ये एंजियोटेंसिन, जब ये एंजियोटेंसिन एक्ट करता है किसके ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, तब ये रिलीज करता है एल्डोस्टिरोन। तो एक स्टिमुलस तो हम ये देख चुके हैं, जब किडनी कंसंट्रेट कर रही थी, जब ऑटो रेगुलेट कर रही थी GFR को, और बेसिकली वाटर कंजर्वेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, किसका, एल्डोस्टिरोन का। दूसरा ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट पोटेंट वे ऑफ रेगुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन इज मोस्ट पोटेंटली रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय द सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन। इसका मतलब बॉडी में सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है एल्डोस्टिरोन के सिक्रीट होने का या नहीं होने का। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि ये जो सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन है ये 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, और अगर इसकी सिक्रीशन, इसका अमाउंट लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, तो आप इस कंडीशन को कहेंगे हाइपोकैलीमिया। और ये हाइपोकैलीमिया पहले मसल वीकनेस करेगा, पैरेसिस, बाद में इट कैन लीड टू पैरालिसिस, सो इट कॉजेज मसल वीकनेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, और जब भी बॉडी में पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो मसल्स में क्या आएगी, वीकनेस आएगी, और ये वीकनेस बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन अगर ये 5.5 से ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरकैलीमिया। इसको हमने किडनी में डिस्कस किया था, ये हाइपरकैलीमिया बहुत डेंजरस होता है, और इसकी वजह से बहुत जल्दी क्या हो सकता है, कार्डियक
अरेस्ट इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह हमने देखी थी, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है और उस पेशेंट को आपको इमीडिएटली या तो कैल्शियम देना चाहिए या इमीडिएटली अवेलेबल है तो हीमोडायलिसिस करना चाहिए। सो ये कार्डियक अरेस्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक मेरे पास एक आयन जिसको मुझे बहुत नैरो रेंज में मेंटेन करना है, जिसकी कमी भी खतरनाक हो सकती है, जिसका एक्सेस भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो हार्मोन जो इसके सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है वो डायरेक्टली मैंने देखा कि मोस्ट पोटेंटली किससे रेगुलेट हो रहा है, सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन से। तीसरा एक माइनर तरीका हो सकता है ACTH। ACTH आप देखिए हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हम ये देख चुके हैं, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के बेसोफिल्स पे, इन बेसोफिल्स में को हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स, और ये प्रोड्यूस करेंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसे हमने कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहा था, और ये जाकर के एक्ट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे और मेनली रेगुलेट करेगा कॉर्टिजोल को, लेकिन एक मिनिमल इफेक्ट इसका किसके ऊपर है, एल्डोस्टेरोन का। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ACTH इज नॉट द मेजर फैक्टर दैट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन इन योर बॉडी। एल्डोस्टेरोन इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय द सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट स्टिमुलस वुड बी द एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन इज सिक्रेटेड इन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन किडनी। सो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या स्टिमुलाई हैं। अब हम देखते ये हैं कि ये एल्डोस्टेरोन करता क्या है। सो एल्डोस्टेरोन हम जैसा किडनी फिजियोलॉजी में कर चुके हैं उसका एक थोड़ा सा रिपीटिशन यहाँ पर करेंगे कि ये एल्डोस्टेरोन जब आता है तो बेसिकली ये सबसे पहले एक्ट करेगा लेट DCT और थोड़ा सा एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों पार्ट हैं किसके, नेफ्रॉन के। सो बेसिकली एल्डोस्टेरोन का असर किसके ऊपर है, नेफ्रॉन पे। नंबर वन असर इसका नेफ्रॉन पर है, और नेफ्रॉन के कौन से दो पार्ट्स हैं, एक तो लेट DCT और दूसरा कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट, इस पर एक्ट करता है। और यहाँ पर इट विल लीड टू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब सोडियम जो है वो ट्यूब्यूल से ब्लड में आएगा, ट्यूब्यूल टू ब्लड। सो अगर ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के पास में कैपिलरी है तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये DCT से क्या एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम, और ये सोडियम कहाँ जाएगा, ब्लड में, एंड दिस विल बी कपल्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। आप जानते हैं टोटल बॉडी वाटर इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द सोडियम। सोडियम इज द प्रिंसिपल कटायन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो कॉमन सी बात कहूँ तो जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पानी जाएगा, तो यहाँ पर इसने क्या एब्जॉर्ब किया है, सोडियम, और इसके साथ क्या जाएगा, वाटर जाएगा, एंड देयर फोर इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम और द बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम एंड हेंस द ब्लड प्रेशर। सो आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पर इट एक्चुअली साथ में इट सिक्रीट्स पोटाशियम एज वेल। सो प्लीज अंडरस्टैंड DCT पे ये जब सोडियम एब्जॉर्ब करता है तो साथ में पोटाशियम को क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसका मतलब ये बॉडी में पोटाशियम की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा। सो दैट मींस इसकी वजह से जो ब्लड में जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है सीरम में वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये उल्टा काम करता है, इस पोटाशियम को ट्यूब्यूल में क्या करता है, सिक्रीट करता है। पोटाशियम हम पहले भी देख चुके थे, बड़ी यूनिक चीज़ है, ये फिल्टर भी होता है, रीएब्जॉर्ब भी होता है और ज़रूरत पड़ने पर सिक्रीट भी होता है। सो बेसिकली आपको एल्डोस्टेरोन का ये असर समझ में आ गया। खासतौर पर ध्यान दीजिए लेट DCT में इसने एब्जॉर्ब क्या किया है, सोडियम को, सोडियम के साथ क्या एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर, लेकिन साथ में सिक्रीट क्या किया है, पोटाशियम को, और पोटाशियम कि जो ब्लड की जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन इसका सलाइवरी स्वेट ग्लैंड्स पर भी होगा, सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड्स पर भी, वहां पर भी ये सोडियम को एक्सचेंज करता है किसके साथ, पोटाशियम के साथ में। सोडियम को क्या करता है, एब्जॉर्ब अगर यहाँ पर इन ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा, और पोटाशियम को क्या कराता है, सिक्रीट कराता है। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन, कि एल्डोस्टेरोन सोडियम को क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है, और पोटाशियम को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। और यहाँ पर किडनी में जब आपने ये देखा तो इसकी वजह से हम वाटर को क्या कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन
फंक्शन किसका हो गया, एल्डोस्टेरोन का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आउट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कंसिडर्ड एज द एक्यूट लाइफ सेविंग पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के वो कौन से हॉर्मोन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा खराब असर और सबसे जल्दी डेथ होने की संभावना है, तो वो आंसर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रादर देन कॉर्टिजोल। सो एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से डेथ जल्दी हो सकती है, तो इसीलिए हम लाइफ सेविंग पोर्शन या एक्यूट लाइफ सेविंग पोर्शन किसे कह रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को, और किसे नहीं कह रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी हम बाद में देखेंगे कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हिच इज एल्डोस्टेरोन। नाउ वी विल लुक एट द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। हम ये देख रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन अगर एबनॉर्मली सिक्रीट होता है तो क्या होता है, और मैं ये बात करूंगा कि होगा ये कि मान लीजिए एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो इसका मतलब कोई ट्यूमर है पिट्यूटरी का और वो बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा है। सो इस एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से, अब आप समझ गए, डीसीटी पर ये ज़्यादा क्या सिक्रीट कर देगा, पोटाशियम, जिसकी वजह से ब्लड की पोटाशियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस कंडीशन को हमने कहा है हाइपोकैलीमिया, और इसमें मसल वीकनेस वगैरह आएगी। पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़, ये रीअब्सॉर्ब करेगा किसको, सोडियम को, और साथ में क्या रीअब्सॉर्ब होगा, वाटर। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, और ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सो दैट मींस एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन व्हिच इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोनिज्म विल बी मैनिफेस्टेड एज हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरटेंशन। सो इस बीमारी को हम कहते हैं कॉन्स सिंड्रोम या कॉन्स डिजीज। सो कॉन्स सिंड्रोम या कॉन्स डिजीज इज एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोनिज्म। जब मैं आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ज़्यादातर केसेस में हाइपरटेंशन को हम एट्रीब्यूट करते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस से, एथीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस से, और इस तरह के 90% से ज़्यादा हाइपरटेंसिव केसेस को हमने कहा था असेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई और करेक्टेबल कॉज नहीं था, ये एज रिलेटेड था या किसी वजह से ये फैसिलिटी जल्दी हो रहा था, इस कंडीशन को हमने कहा था एथीरोस्क्लेरोसिस। लेकिन कुछ केसेस में तब भी मैंने आपसे कहा था कि हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमें पता चल जाए कि उसका कॉज कुछ इस तरह का है, से फॉर एग्जांपल कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर है या कोई एड्रिनल का ट्यूमर है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन सिंड्रोम। और कॉन सिंड्रोम में दो चीजें यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, एक होती है हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम की लेवल कम होती है, और दूसरा होता है हाइपरटेंशन। सो अगर यंग एडल्ट में आपको हाइपरटेंशन मिल रहा है तो डॉक्टर्स अक्सर सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन करा लेते हैं ये देखने के लिए कि कहीं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म तो नहीं है, और ये बड़ी आसानी से ट्रीटेबल कॉज है हाइपरटेंशन का, इसको ठीक किया जा सकता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉजेस कॉन सिंड्रोम। डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जब मैं कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी के साथ में देखूंगा कि एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, इस बीमारी को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। सो बेसिकली हमने इस टाइम पे आपका मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेन लाइफ सेविंग पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन देखा व्हिच इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। हमने देखा कि वो सिक्रीट कैसे होता है, हमने देखा कि उसके फंक्शंस क्या हैं, और हमने ये देखा कि एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन से कौन सी बीमारी हो सकती है। व्हेन आई कम बैक आई विल डील विद एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। थैंक यू।